those of you who don't know me, my name is Mitali Sharma. I have been a NEET aspirant for the past 2.5 years. I just gave NEET 2020, in which I have secured an All India rank of 68 with 700 marks. So as you might be knowing, ki maine ek subject wise series start kari hai to help you guys in every subject specifically apni strategy bata ke. तो ये वीडियो स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कॉन्सेंट्रेटेड होने वाला है. इसके अलावा आई पोस्टेड अ वीडियो ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका लिंक यहाँ कहीं या यहाँ कहीं डिस्प्ले होगा, चेक कर लेना. अगर नहीं देखा हो तो देख लेना. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई होप उससे सॉल्व हो जाए. उसके अलावा आई हैव ऑल्सो अपलोडेड अ वीडियो ऑन फिजिक्स. वो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, थोड़ा लंबा है बट डिटेल्ड है. अगर फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, वो भी यहाँ कहीं डिस्प्ले हो जाएगा. अच्छा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही थी. बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि हिंदी में वीडियो बनाओ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश में वीडियो बनाओ. तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं पूरा स्पीकिंग जो मैं अपना रखूँगी वो पूरा हिंदी में रखूँगी अब से. एंड आई विल पुट इंग्लिश सब टाइटल्स फॉर ऑल द पीपल जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं या साउथ इंडियंस हैं या एनीथिंग लाइक दैट. यू कैन चेक आउट ऑल दीज इंग्लिश सब टाइटल्स प्रेजेंट बिलो. आई होप इट हेल्प्स. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ टाइम, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने इनऑर्गेनिक में भी मेंशन किया था, जैसे इनऑर्गेनिक में मैंने दो इम्पॉर्टेंट बेस चैप्टर्स बताए थे इनऑर्गेनिक सॉल्व करने के लिए, वैसे ही ऑर्गेनिक में जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं जिन्हें हम बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट और बहुत ही ऐसा सा कंसिडर करते हैं कि इन्हें तो छोड़ देते हैं, ट्वेल्थ की सीधा ऑर्गेनिक पर आते हैं और वो पढ़ते हैं. तो आई वुड से इसमें कि जो 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक के, जैसे कि IUPAC हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, जो GOC वाला चैप्टर है जिसमें रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारा सब कुछ मेंशन है. उसके अलावा GOC 2 जो है जिसमें सारे रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन्ड है कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक है, कौन सा एडिशन है, कौन सा एलिमिनेशन है, ये सब चीज़ें बेस बनाती हैं हमारी ऑर्गेनिक का. जब हमें ये आएगा तभी हमें जो आगे के 12th के चैप्टर्स हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब कुछ हमें तभी समझ आ पाएगा जब हमें ये वाले चैप्टर्स का जो हमारा बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट कि तुम लोग इन वाले चैप्टर्स पे पहले सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो. अच्छा, GOC के लिए तुम लोग यूट्यूब चेकआउट कर सकते हो. यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स ने अपने अपने लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, तो तुम्हें जो चैनल पसंद आए तुम चेकआउट करो. अगर तुम कोई कोचिंग नहीं जाते हो तुम यूट्यूब से देख सकते हो, पढ़ सकते हो और अपनी GOC को अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. अच्छा, ये सारी चीज़ें, ये सारे चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग करने के बाद जो हमारा मेन ऑर्गेनिक का कंटेंट है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइल हैलाइड, फिनॉल, ये सारे अमाइन्स, ये सारे चैप्टर्स हैं, ये स्टार्ट होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जो मेन चैप्टर्स हैं जिनमें कंटेंट है, जिनमें एक्चुअल ऑर्गेनिक है, रिएक्शंस हैं, सब कुछ है. तो मेरी स्ट्रैटेजी फॉर डूइंग ऑल दीज चैप्टर्स यही रहती थी, मैं सबसे पहले अपने क्लास नोट्स कवर करती थी. अच्छा, सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ऑर्गेनिक में ये होती है कि हम पढ़ लेते हैं रिएक्शंस लेकिन फिर हम रिटेन नहीं कर पाते, हमें याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं. उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो सब बोलते हैं कि रेपिटेटिव रिविजन ट्राई करो. ट्राई करो कि तुम जितना ज़्यादा बार उस चीज़ को रिवाइज़ कर सकते हो करते रहो. जैसे मेरे जो क्लास नोट्स थे, मुझे भी जब स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक हम कर रहे थे मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता था कौन सा रिएक्शन का रिएजेंट कौन सा है, क्या प्रोडक्ट बनाऊँ, कुछ कुछ नहीं समझ आता था. तो मैंने बस यही स्ट्रैटेजी रखी थी, मैं रेपिटेटिवली चैप्टर्स को पढ़ती थी. उसके अलावा मेरे क्लास नोट्स तो मेरे पास थे, वो तो मैं पढ़ती ही पढ़ती थी. उसके अलावा NCERT वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
तो एनसीईआरटी में क्या है कि बहुत सारी जगहों पर, मतलब जैसे जो ये वाले मेन जो मैं चैप्टर्स बता रही हूँ, इन सब में जैसे एक-एक रिएक्शन दे रखा होता है, उसे एक्सप्लेन करा होता है, उसके रिएजेंट्स मेंशन होते हैं, और उनके जैसे जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो सब मेंशन होता है, कुछ कुछ रिएक्शंस का मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन होता है एनसीईआरटी में। तो जो जो जैसे जैसे रिएक्शन दे रखा है, तुम्हें कोई भी रिएक्शन स्किप नहीं करनी है एनसीईआरटी की। जो रिएक्शन जैसे एनसीईआरटी में दे रखी है, तुम्हें वैसे याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पर भी यही रेकमेंड करूँगी कि ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ना एकदम अच्छे से, क्योंकि नीट में भी और बोर्ड में भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बहुत अच्छे लेवल के सवाल बन सकते हैं एनसीईआरटी से ही। बच्चे क्या करते हैं कि वो बहुत इधर उधर भागते हैं कि ऑर्गेनिक बहुत टफ आती है, तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लें, इधर से क्वेश्चंस कर लें, उधर से क्वेश्चंस कर लें। मेरी राय यही होगी कि ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है, अपना कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करके चलो। जो तुम पढ़ रहे हो, कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, और ट्राई करो कि वो जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हें 100% याद रहे और रिटेन रहे। इसीलिए एनसीईआरटी मैं कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। सारे रिएजेंट्स, इंटरमीडिएट्स, मैकेनिज्म सब कुछ अच्छे से देखना है। और फॉर योर हेल्प, मैं अपने जो मेरे एनसीईआरटी के नोट्स थे, जो भी मेरे हाइलाइटेड पॉइंट्स थे, वो सब कुछ मैं ट्राई करूँगी कि बहुत जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँ। मेरे चैनल का नाम है मिताली हेयर, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इफ़ यू वांट, तुम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हें हेल्प मिल जाएगी उससे। इसके अलावा सब पूछते हैं कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन से करें, कहाँ से करें। तो देखो, मैंने जो, मतलब मेरे टाइम पे जो मैंने प्रैक्टिस किए थे, मैंने एनसीईआरटी के सारे बैक क्वेश्चंस करे थे, स्पेशली 12th की एनसीईआरटी के, क्योंकि 12th में हमें बोर्ड्स भी देने होते हैं, तो वो बोर्ड्स में भी हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। और उससे क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है दिमाग में, एक थीम बन जाता है चैप्टर का, तो नीट में भी वो बहुत काम आते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने में। तो एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर लेना। उसके अलावा मैंने अपने सारे एलन के मॉड्यूल सॉल्व करे थे। अगर तुम्हारे पास कोचिंग मटेरियल नहीं है, प्लीज़ ट्राई करना कि एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढंग से एक बार उठा के देखना, स्पेशली 2020 और 2019 के पेपर्स, क्योंकि 2019 से ये हुआ है कि एनटीए ने पेपर बनाना स्टार्ट किया है, तो पेपर के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2019 से पेपर ज़्यादा एनसीईआरटी बेस आने लगा है। तुम देख लेना, 2019 में दो पेपर्स हुए थे, ऑल इंडिया और ओडिशा, और 2020 के भी दो पेपर्स हुए हैं, जो एक फर्स्ट फेज़ हुआ था और सेकंड फेज़ हुआ था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिएक्शन या कोई भी ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर पूछा गया है, बल्कि एनसीईआरटी में बहुत अंदर घुस घुस के बहुत लाइनों से क्वेश्चन आया है। इसलिए ट्राई करना कि एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तुम जो भी बुक यूज़ कर रहे हो, तुम कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। लास्टली, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि एनसीईआरटी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट जगह जो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ना स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि अरे तो छोड़ो, तो मैं वो चीज़ें ज़रा मेंशन करना चाहूँगी। एक तो देखो, 12th की एनसीईआरटी के लास्ट के तीन चैप्टर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स, इन तीनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेना। मेरे जो जो भी शॉर्ट नोट्स होंगे मैं अवेलेबल करा दूँगी टेलीग्राम पे, तुम वो देख सकते हो। तो इन तीन चैप्टर्स में क्या है ना यार, याद करने का है, और अगर इनसे क्वेश्चन आया तो वो लिटरली बोनस क्वेश्चन है, हमारे लिए बहुत अच्छा है अगर हम ये चैप्टर्स करके गए और इन चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वो हमारे फ्री के मार्क्स हैं। बिल्कुल, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसलिए हमें ट्राई करना है कि ये तीनों चैप्टर्स हम बहुत अच्छे से कर लें, और नीट से पहले भी, जो नीट से पहले का तुम्हारा 1 वीक होगा, इन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज़ कर लेना उस लास्ट के 1 वीक में। उसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मुझे लगता है बहुत अच्छा मतलब चैप्टर है। इस चैप्टर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनने की बहुत लाइक प्रोबेबिलिटी रहती है नीट में। उसके अलावा एमसीक्यू, मतलब नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए ट्राई करना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला चैप्टर एक बार तो एटलीस्ट वर्ड टू वर्ड पढ़ लूँ। मैंने जो भी मेरे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के नोट्स बनाए थे वो मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूँगी। उसके अलावा जो एक 12th चैप्टर है 11th की एनसीईआरटी का, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ ऐसे करके, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है,
तो वो वाला जो चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग तो बच्चे पढ़ लेते हैं, जहाँ पर रेजोनेंस दे रखा है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, वो सब पढ़ लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक सेक्शन आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला और सेपरेशन वाला, जहाँ पर डिस्टिलेशन, क्रोमैटोग्राफी और ये सब दे रखा है। बच्चे यूजुअली उस चीज़ को स्किप कर देते हैं। और टू मेंशन हियर, नीट 2020 में इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आया था, जो मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, और मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चों ने उसका आंसर टेलीग्राम पे गलत दिया था। तो प्लीज़ वो वाले पार्ट की एनसीईआरटी बहुत ढंग से पढ़ लेना, स्पेशली क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वहाँ पर पूछ लेते हैं कि कौन सा ग्रुप कौन सा कलर देगा, और कौन सा मतलब कैटायन या एनायन से कौन सा टेस्ट आएगा। इसलिए ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से देख लेना, बहुत बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए, और ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से एकदम स्मूथली हो जाएगी। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने कैसे ऑर्गेनिक को डील किया था अपने 2 years ऑफ प्रेपरेशन में, स्पेशली 12th में, क्योंकि 12th में मैंने एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया था। आई होप कि मेरी स्ट्रैटेजी हेल्प करे तुम लोगों को इन योर ऑर्गेनिक प्रेप। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर एस्पिरेंट फ्रेंड्स और हुम सो एवर यू थिंक विल बी बेनिफिटेड विद दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी इफ़ यू वॉन्ट। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक नीचे छोड़ दूंगी, तुम मुझे DM कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग नीट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई राइट ब्लॉग्स, तो तुम मेरा ब्लॉग चेकआउट कर सकते हो, आई लीव अ लिंक टू इट बिलो। इसके अलावा आई हैव अ डांस पेज ऑन इंस्टाग्राम एंड अ डांस यूट्यूब चैनल ऑल्सो, दोनों का लिंक नीचे प्रेजेंट होगा, चेकआउट कर लेना, अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना। सो आई विल सी यू वेरी वेरी सून अगेन ऑन द चैनल विद मोर नीट रिलेटेड कॉन्टेंट, होपिंग टू हेल्प यू विद ऑल माई स्ट्रैटेजीज एंड एडवाइजेस। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।